देखता है, बट उसका मेन फोकस ही रहता है कि जो पहाड़ी लोग पहनते हैं। ये उत्तराखंड में एक आर्ट होती है, ये मैं भी बनाऊंगी। ओ ये कितना सॉफ्ट है, ये तो फर बॉल लग रहा है मेरे को। तो फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं इतनी मेहनत के बाद, और ये मेरा रूम है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ, खाना खा लूँ, भूख लग रही है। ओके अब हम जा रहे हैं खाना खाने, और देखते हैं खाने में क्या बनाएं, क्योंकि भूख तो बहुत लगी, कुछ भी बनाओ टेस्टी लगेगा। चलो चलते हैं, और मैं आपका यहाँ का जो होम स्टे टूर है वो भी दूंगी, पर वो थोड़ा सा बाद में दूंगी, क्योंकि अभी खाना खा लेते हैं। और बहुत सुंदर है, और आज आई थिंक यहाँ पे गेस्ट भी नहीं है हमारे अलावा कोई और, आई थिंक। ओके तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का खाना रेडी है, और खाने में क्या क्या, खाना दिखने में बहुत टेस्टी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत क्यूट भी इन्होंने यहाँ पे बफे स्टाइल में यहाँ पे लगाया, दिखाती हूँ आपको। पिज्जा सैलेड, ये आलू हैं, ये जीरा वाले आलू हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं देखने में। और ये रायता, ये चावल हैं, जीरा वाले चावल राइस, और ये दाल है, और रोटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले तू अपने लिए डाल दे फिर मेरे लिए डाल दियो। कंटेंट देखने वाला सिर्फ कंटेंट देखता है, यू नो, हाँ जो बना रहा है उसको भी देखता है। देखता है, बट उसका मेन फोकस ही रहता है कि तुम्हारा खाना रेडी है और हम खा रहे हैं, ये तो खा चुका है, इसको बहुत भूख लगी है। कर लिया है, और अब मैं देती हूँ आपको पूरा होम स्टे का टूर। और ये वाला जो रूम है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रूम, ये वाला मनोज का है, मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज़ यहाँ पे पीछे ये पेंटिंग की हुई है, बहुत अच्छी लग रही है, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे में भी है, मेरे में कुछ फ्लैक्स कुछ बने हुए हैं, बट मुझे ये वाला अच्छा। होम टूर देती हूँ, ये तो मनोज का रूम है, होम स्टे टूर। ओके तो यहाँ से रूम स्टार्ट होते हैं फुलारी होम स्टे के, ये फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला, डाइनिंग हॉल। अच्छा ये डाइनिंग हॉल है, और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, एक मिनट, इसका नेम प्लेट है। अरे दिख नहीं रहा धूप की असर से। ओके ये डाइनिंग हॉल है, ओ यहाँ तो बहुत सारे ड्रीम कैचर लगे हैं, और ये पेंटिंग है, ये नथ है जो पहाड़ी लोग पहनते हैं, और यहाँ पर कुछ गेम्स हैं, ये सारे ड्रीम कैचर्स, और हाँ ये चीज़ें उसमें काम आती हैं जब हल जोतते हैं ना, ये तब काम आती हैं। और ये थोड़ा यहाँ का सेटिंग अरेंजमेंट है, और ये दिखाती हूँ मैं, ये जो पत्थर है,
ये उस चीज़ के काम आता था। पहले ज़माने में ना चक्की होती थी, आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, पहले ज़माने में चक्की होती थी तो ऐसे गोल गोल घूमती थी। तो ये उसका एक ऊपर का पार्ट है या जो भी है, नीचे का पार्ट आई थिंक ये वही है। और यहाँ पर कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं, लाइक बहुत अच्छे होते हैं बुक लवर जिनको रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर बुक्स भी हैं। और बुक्स में है ये सुदीप नागर करके, स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, और भगवत गीता भी है यहाँ पे, 13 रीजंस वाई भी है, और ये मसूरी ज्वेल ऑफ द हिल्स। ओके मसूरी तो मुझे बहुत पसंद है। ओके द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये मेरे पास भी है बट मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, उसको पढ़नी है। और हाँ नंदा देवी अफेयर ये मैं पढ़ूंगी, और काफ़ी सारी हैं। मसूरी मेलेडी है, वाई आई एम ए हिंदू, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, आप आओगे तो आप देख सकते हो। ओके ओके ये हैंडमेड है, पेंटिंग ले रखी है इसमें। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड में और ये वाइट लाइन्स पे बना रखी है, इसको कहते हैं एपन। ये उत्तराखंड में एक आर्ट होती है मेनली, ये कुमाऊँ कल्चर में देखा जाता है। उत्तराखंड में कुमाऊँ और गढ़वाल दो रीजन है, तो ये कुमाऊनी जो होते हैं वो हमेशा अपने घरों में या फिर मंदिर में इस तरह के एम्पल आर्ट्स बनाते हैं, और मेनली ये दहलीज जो होती है ना वहाँ पर बनाए जाते हैं ये चीज़ें, और मंदिरों में भी आपको बहुत दिखेगा। आप जैसे जाओगे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ कहीं पर भी जाओगे तो ये चीज़ आपको बहुत दिखेगी, ये आर्ट रेड एंड वाइट में। ये देखो यहाँ पे भी बनाया हुआ है, लग रहा है ना सुंदर, इसे कहते हैं एपन आर्ट। आई लाइक दिस, ये मैं भी बनाऊंगी, मुझे भी बहुत मन है। अब दिवाली आने वाली है ना, जैसे ओकेजन्स होते हैं उनमें सब कुछ, आप जिस पे करना चाहें ये आर्ट, या कुछ अपने घर में कुछ ऐसा डेकोरेट करने के लिए बनाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए भी बना सकते हैं, तो मैं भी बनाऊंगी दिवाली के टाइम पे। और यहाँ पर रूम्स हैं, और ये सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया था पेड़ के नीचे। ओए ये कितना बड़ा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये सूरजमुखी इतना, ये इतना बड़ा है संसार है। और यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है, रात को तो जलती है, बहुत सुंदर लगती है। और ये फूल चेयर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे फ्लावर्स बहुत सारे हैं, आपको दिखाऊंगी। कितने तो बड़े रोज हैं यहाँ पे, थोड़ा सेटिंग रूम है, ओ सॉरी सेटिंग अरेंजमेंट है। और ये फ्लावर्स रोजेस, और ये बहुत बड़े हैं सीरियसली, ये मेरे हाथ जितना मेरा हाथ है ना, ये उतने बड़े हैं। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये एक और रूम है, वही मनोज का रूम है ये, ठीक है। और अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये एज अ डस्टबिन यूज़ कर रहे हैं, बट ये जो होती है ना उत्तराखंड में जैसे घास वास ले जाते हैं, ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होती थी। और हमारे गांव में तो इसके नीचे जो बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उनको ढक देते थे इससे। और ये आई थिंक ऊपर कुछ स्पेस है, ये मैं अभी यहाँ पे जाऊँगी, देखते हैं। अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, यहाँ से एंट्रेंस है, बहुत सिंपल सा रूम है। मेरी आवाज़ एक हो रही होगी यहाँ पे, और मेरे यहाँ पे ना पेंटिंग नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं रूम एक्सचेंज कर लूँ मनोज के साथ। और ये यहाँ पे ये कुछ फ्लैग्स बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं वैसे ये कलरफुल। ये मेरा बेड है, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है अभी फैला हुआ, अच्छे लग रहे हैं ये।
और रात को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और ये लाइट है, ये भी रूम्स हैं आई थिंक। और ये देखो फ्लावर्स, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाने पर ये वॉशरूम है। दिखाती हूँ वॉश, मतलब हाइजीनिक है। ये वॉशरूम है, हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये है हैंड वॉश के लिए, यहाँ पे है वॉश बेसिन। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं हूँ। और एक इस साइड है छोटा सा, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सनफ्लावर है। ये देखो ये कितना बड़ा है। ये पहले गांव था यहाँ पे, यहाँ पे जो लोग रहते थे वो चले गए, सिटी चले गए, माइग्रेट कर गए हैं। तो ये था फुलारी होम स्टे का टूर, और मैं इस होम स्टे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक आउट देयर। और यहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं सुकून से। अच्छा ये ऊपर चलते हैं एक बार। कॉमन एरिया है, ये भी पूरा बना नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सेटिंग का होगा बट कंप्लीट नहीं है अभी। इस तरह से यहाँ पे दो चेयर रखी है। ओ हाय, हेलो, ये यहाँ का डॉगी है, इसका नाम पूछूंगी मैं, इसका नाम क्या है। और ये इस तरह से आजा आजा बूरी, आजा आजा आजा। मुझे वो भी पूछना है वो बिल्लियाँ कहाँ हैं, वो ये कितने धीरे उतर रहा है। हाँ ओ ये कितना सॉफ्ट है, हाँ ये देखना कितना सॉफ्ट है, प्यारा है ना, देहरादून से लाया था मैं। ये देख रहे हो नहीं इसने मुझे आते ही ऐसे किया था, बहुत बहुत ज्यादा फ्रेंडली है ये। देख रहे हो? हाँ प्यार देख रहे हो, आजा कम दूसरा वाला क्या है सौरभ, एक और था ना दूसरा वाला, गायब मतलब है? हाँ सच्ची, यहाँ बाघ भी आता है क्या? यहाँ नहीं आता, वो बाघ दे देंगे। अच्छा ये हमारे होस्ट हैं सौरभ त्रिवेदी, से हाय यार वो कहाँ हैं बिल्लियाँ कहाँ हैं? अभी देखी थी मैंने इधर। अच्छा वो सो रही हैं, दिख रहे हैं तो। अरे सोने तो इधर आ गए, ओह कितनी क्यूट है, ये तो फर बॉल लग रहा है मेरे को। ए, मुझे लगा था ये बड़े हो गए होंगे, अभी तो छोटे ही हैं ये। म्याऊ। इसका नाम क्या है? इसका नाम सुंदरू। इसका नाम सुंदरू है। और ये कितने हैं टोटल? चार। ये चार हैं। उस वो पहले वाले का नाम क्या था? पहले वाले का नाम नहीं रखा अभी। अच्छा। सुंदरू है, एक फगली है। फगली ये फगली फगली क्या है, समझ आ रही है?
नाखून तो लगेंगे ही ना उसके। भागने की लगी है। अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है और आपको मेरी हालत दिख रही होगी। अभी हम एक्चुअली रैकेट खेल रहे थे तो ऐसी ऐसी हालत हो गई है। अभी मैं आपको ना यहाँ का नाइट व्यू दिखाती हूँ, होम स्टे का। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई मस्ट से इट्स ब्यूटीफुल। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? खाना खा लिया तूने? हाँ खाना खा लिया। क्या खाते है? भात खाते है? हाँ क्या खाते?